नमस्कार, NIOS के इस प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोर्स 502 के एक महत्वपूर्ण विषय पर, सभी के लिए शिक्षा जमेटिंग कॉन्फ्रेंस। हमारे बीच में आज डॉक्टर अखिलेश कुमार, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा से आए हुए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर जैन बालिया, मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम डॉक्टर अखिलेश कुमार से कि ये जो जमेटिंग कॉन्फ्रेंस, जो सभी के लिए शिक्षा कॉन्फ्रेंस के नाम से मशहूर है, 1990 में आयोजित हुई है जी। इस पर संक्षेप में प्रकाश डालें जी, और इसके बाद इसकी हम विस्तृत व्याख्या। धन्यवाद वालिया सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी के लिए शिक्षा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही व्यापक मुद्दा है कि कैसे हम शिक्षा को सभी बच्चों की ओर, सभी लोगों तक, जन जन तक पहुँचा सकें। जब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की घोषणा 1948 में की गई, उसमें शिक्षा के अधिकार को सभी बच्चों के लिए आवश्यक माना गया कि यह एक आधारभूत मानवाधिकार है, शिक्षा का अधिकार। लेकिन उसके 50 साल बीतने के बाद भी जब ये देखा गया कि उसके आधा दशक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक करोड़ों बच्चे जो है, और बच्चे तो बच्चे, करोड़ों वयस्क भी शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए और इसी पर सभी देशों का ओपिनियन लेने के लिए, सभी एक स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए जमेटिन शहर थाईलैंड में है। थाईलैंड के जमेटिन शहर में 5 से 9 मार्च 1990 के बीच एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इस विश्व सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि मानवाधिकारों की घोषणा के बाद भी, 40-50 साल बाद भी, क्यों अभी तक बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे वयस्क शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित हैं और उन तक शिक्षा पहुंच नहीं पाई है, और कैसे उन तक शिक्षा को पहुंचाया जाए। बहुत अच्छा प्रकाश डाला आपने, एक अच्छी सूचना दी हम सभी को कि जमेटिंग कॉन्फ्रेंस 1990 में हुई, सभी के लिए शिक्षा, और विश्व के बहुत सारे देशों ने उसमें भाग लिया जी। डॉक्टर अखिलेश, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो जमेटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे जी। धन्यवाद वालिया सर। जैसा कि इससे पहले हमने चर्चा की कि जमेटिन में जो आयोजित हुआ था कॉन्फ्रेंस सभी के लिए शिक्षा, इस विश्व सम्मेलन में लगभग 155 देशों के प्रतिनिधियों ने और 150 गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया, और सभी ने मिल करके ये तय किया कि सन 2000 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने एवं उनके बीच की निरक्षरता को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमिकरण का, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन, और साथ साथ इस पर चिंतन करना कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर अखिलेश आपने कि इसके उद्देश्य बताया आपने। अब जब भी कोई इस तरह की सभाएं या कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें उद्देश्य रखे जाते हैं, तो एक हमने देखा है अक्सर, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में, एक घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया जाता है। उस घोषणा पत्र पर सभी जो देश और प्रतिभागी होते हैं हस्ताक्षर करते हैं, और जो घोषणा पत्र के जो तत्व होते हैं उन पर आगे चलकर विचार विमर्श किया जाता है, और उसी के अनुसार वैसी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं जी। हम सभी जानना चाहेंगे डॉक्टर अखिलेश से कि इस कॉन्फ्रेंस के, जमेटिंग कॉन्फ्रेंस जो 1990 में हुई, इसके घोषणा पत्र में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ कोई बेसिक सिद्धांत बनाए गए थे? अगर बनाए गए थे तो वो कौन कौन से बेसिक सिद्धांत थे? मैं चाहूँगा आप इस पर प्रकाश डालें। जी सर, इसमें कुछ बातें करना चाहूँगा। जमेटिन कॉन्फ्रेंस जो ये सभी के लिए शिक्षा का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, इसमें सबसे पहले बुनियादी शिक्षण के लिए 6 प्रमुख लक्ष्यों की पहचान की गई थी। उन 6 लक्ष्यों में प्रमुख था बच्चे का आरंभिक देखभाल और विकासात्मक क्रियाओं का विस्तार करना। दूसरा लक्ष्य था प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए सार्वभौमिक पहुँच स्थापित करना, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। अधिगम उपलब्धि में सुधार को लागू करना, या निश्चित उम्र के लिए आवश्यक अधिगम उपलब्धि, जिसको कि हम आज की तारीख में बहुत फेमस है वर्ड MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, इसको लागू करना। वयस्क निरक्षरता दर में कमी लाना। चौथा जो लक्ष्य था उसका, युवाओं और वयस्कों के लिए जरूरी अन्य कौशलों में प्रशिक्षण और बुनियादी शिक्षा के प्रावधानों में विस्तार करना।
और जो छठा लक्ष्य था इसका, व्यक्तियों और परिवारों के द्वारा ज्ञान कौशल एवं बेहतर जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों, स्वास्थ्य और सतत विकास के अधिग्रहण में वृद्धि करना। और जैसा कि आपने बताया कि इसके जो घोषणा पत्र थे उसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे, तो मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो सभी के लिए शिक्षा घोषणा पत्र था इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो बेसिक सिद्धांत दिए गए वो थे निष्पक्षता और अधिगम प्रबल, बेसिक शिक्षा के अर्थ एवं कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना, अधिगम परिवेश में सुधार एवं सभी की भागीदारी को मजबूत बनाना, सभी की भागीदारी को स्ट्रेंथन करना, ये इसके लक्ष्य रखे गए थे। जब शिक्षा पर विश्व घोषणा का ये सम्मेलन हुआ तो इसमें कुछ शैक्षणिक चुनौतियों की भी पहचान की गई और 9 अनुच्छेदों का एक विस्तृत प्रारूप बनाया गया। इन शैक्षणिक चुनौतियों में और जो प्रारूप बनाए गए उनमें प्रमुख है मूल अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करना, विस्तृत दूरदृष्टि को रूप देना, अभिगम्यता का सार्वभौमिकरण एवं निष्पक्षता को प्रोत्साहन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन, अधिगम पर फोकस करना, बेसिक शिक्षा के साधनों तथा कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना, प्रभावी अधिगम वातावरण का निर्माण, प्रत्येक स्तर पर सामाजिक समूहों की भागीदारी को बढ़ाना, मतलब बच्चों की शिक्षा में हर स्तर पर सामाजिक समूहों की भागीदारी को इम्प्रूव करना, सभी के लिए शिक्षा हेतु एक नीति का निर्माण, एक नीति का निर्धारण जो कि उपयुक्त हो सभी के लिए शिक्षा के लिए और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए, और साथ साथ जो एक प्रमुख उद्देश्य थे इसके विभिन्न साधनों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, इट वाज ए चैलेंज, एक चैलेंज भी था और ये एक उद्देश्य भी था कि ये कैसे किया जाए, इस पर विचार किया गया इस जमेटिन कॉन्फ्रेंस में। बहुत अच्छा डॉक्टर अखिलेश, अभी हम सब ने डॉक्टर अखिलेश से जाना कि ये जो जमेटिंग कॉन्फ्रेंस 1990 में आयोजित की गई सबके लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, और इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया, और अभी डॉक्टर अखिलेश ने बताया कि उस वक्त जितने उद्देश्य थे उसकी प्राप्ति के लिए किन सिद्धांतों की वहाँ पर उल्लेख किया गया उसके घोषणा पत्र में। साथ ही साथ डॉक्टर अखिलेश ने ये भी बहुत स्पष्टता से बताया कि उस वक्त चुनौतियां कौन कौन सी थी, और क्योंकि उस शैक्षिक चुनौतियों के आधार पर ही कहीं ना कहीं वो घोषणा पत्र तैयार हुआ होगा और वैसे उद्देश्यों के लिए कुछ कदम उठाए गए होंगे। अब मैं जानना चाहूँगा कि जमेटिंग कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें जो उद्देश्य रखे गए और जो उसमें चुनौतियां सामने रखी गई और जो उसके आगे कदम उठाए गए उसका E9 देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये मैं जानना चाहूँगा। डॉक्टर अखिलेश से मैं अनुरोध करूँगा इस पर भी प्रकाश डालें। बड़ा वैध सवाल किया है आपने सर कि E9 देशों पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि ये E9 क्या है। यूनेस्को के सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम जो ये हुआ था एजुकेशन फॉर ऑल, इसके अंतर्गत 9 देशों का एक फोरम बनाया गया था। ये 9 देश थे बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया एवं पाकिस्तान। इनका प्रभाव देखा गया कि E9 देशों पे, ये जो E9 कंट्रीज बनाए थे यूनेस्को ने, उसके E9 देशों का जो फोरम बनाया था जिसको कि E9 नाम दिया यूनेस्को ने, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर देखें कि इस पर क्या प्रभाव पड़ा तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि विकास योजनाओं में प्राथमिकता दी जाने लगी, हर जगह पॉलिसी बनाए गए कि सभी के लिए शिक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। दूसरा, पहले से चल रहे कार्यक्रमों में संशोधन किए गए, पहले से जितने भी प्राइमरी एजुकेशन के कार्यक्रम चल रहे थे उन सभी कार्यक्रमों में पॉलिसी लेवल पे चेंज लाए गए, उनको संशोधित किया गया और उनका क्षेत्र जो है वो व्यापक बनाया गया। तीसरा जो देखा गया प्रभाव E9 देशों पे, वो ये देखा गया कि प्रौढ़ निरक्षरता में बहुत कमी आई, इतने प्रोग्राम चलाए गए कि प्रौढ़ निरक्षरता में एक महत्वपूर्ण कमी देखी गई इन सारे E9 कंट्रीज में। इसके अलावा जो प्रभाव पड़ा उसमें बेसिक शिक्षा के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया गया, जो भी प्राथमिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा है उसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया, व्यापक बनाया गया।
तदनुसार पॉलिसी निर्धारित की गई और उसके अनुसार कार्यक्रम चलाए गए। पूरे बालकाल संबंधी क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। चूँकि ये पूरा का पूरा बेसिक एजुकेशन से या प्राथमिक एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसमें प्री चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ में वृद्धि हुई। इसकी वजह से बहुत जगहों पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECE प्रोग्राम की शुरुआत भी की गई, जो कि इसी कॉन्फ्रेंस की देन है। डॉक्टर अखिलेश, आपने बहुत स्पष्ट रूप से हम सबको इस बारे में ज्ञान दिया कि जो जेमेटिंग कॉन्फ्रेंस है, इसका E9 देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें सर और कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि और भी प्रभाव जो देखे गए, वो देखा गया कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा में वृद्धि हुई है। विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की अभिगम्यता, मतलब नए नए स्कूल खोले गए तो विद्यार्थियों का स्कूल का एक्सेस जो है वो बढ़ा। उसके अलावा शैक्षिक सेवाओं का केंद्रीकरण किया गया। साथ ही ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये इसी की देन है कि हर कंट्रीज में, लगभग अधिकांश कंट्रीज में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया और विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समावेशी शिक्षा का आरंभ एवं उसकी सेटिस्फैक्ट्री प्रगति जो है ऑब्जर्व की गई। इससे पहले जो विशेष आवश्यकता वाले बालक थे, उनके लिए समावेशी शिक्षा की बजाय समेकित शिक्षा या विशेष शिक्षा का प्रावधान था। समावेशी शिक्षा इस वक्त अपने लगभग शैशवावस्था में था, तो ये प्रोग्राम आने के बाद समावेशी शिक्षा में प्रगति दर्ज की गई और उसमें देखा गया कि संतोषजनक परिवर्तन आए हैं। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के प्रयोग पर बल दिया गया और उसके प्रयोग की शुरुआत हुई और उसमें उपयुक्त प्रगति दर्ज की गई। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में NGOs की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण देखी गई। बहुत सारे गैर सरकारी संगठन एवं सिविल सोसाइटी जो है वो आगे आए और उनके साथ गवर्नमेंट की साझेदारी के साथ उन्होंने काम किया और काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में। डॉक्टर अखिलेश, जो आपने भी E9 देशों की बात की और ये बताया कि वो E9 देश जो थे, जो जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही सावधानी के साथ, ईमानदारी के साथ किया, इसमें भारत का भी कोई योगदान रहा है कुछ इसमें स्थिति, या इस जेमेटिंग कॉन्फ्रेंस जो हुई है इसका प्रभाव कहीं हमारे देश की शिक्षा नीति में भी कहीं इसका कुछ उल्लेख मिलता है? बिल्कुल सर, हमारे देश की शिक्षा नीति में सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू हुआ वो जेमेटिंग कॉन्फ्रेंस के दिन थी। हमारा जो DPEP प्रोग्राम में संशोधन किए गए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, उनमें सूत्र यहीं से लिए गए, वो उसके भी मूल जो है उसका वो जेमेटिंग कॉन्फ्रेंस में ही था। इसके अलावा विशेष बालकों के लिए जो अलग अलग शिक्षा के कार्यक्रम चलाए गए, ये अपना विशेष बालकों के लिए जो भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन का समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया, वो जेमेटिंग कॉन्फ्रेंस और सलमानका कॉन्फ्रेंस दोनों की एकीकृत देन थी। अच्छा, तो हमारी शिक्षा नीति कहीं ना कहीं हमारे प्रभावित रही, बहुत गहरे प्रभावित हुई और हमने अपने लक्ष्य को अचीव करने में भी बहुत हद तक, हालांकि पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत हद तक सफल हुए हैं। और अभी आजकल जो हम लोग अक्सर बात कर रहे हैं, जो हमारी नई शिक्षा नीति बनने जा रही है, उसका भी जो प्रारूप तैयार हो रहा है, आपको लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारा जेमेटिंग कॉन्फ्रेंस का उल्लेख होगा कहीं, या उसके बारे में कहीं बातचीत कहीं होगी, उसके जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए कहीं उसका कुछ प्रावधान किया जाएगा? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि जेमेटिंग का कॉन्फ्रेंस जो है बड़े आधारभूत सवाल पर आधारित था कि सभी के लिए शिक्षा को सुलभ कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले तो 2000 तक का लक्ष्य तय किया गया, फिर 2015 तक का लक्ष्य तय किया गया था कि 2015 तक हम सभी के लिए शिक्षा को उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आज की तारीख में भी भारत जैसे देश में बहुत सारे बच्चे शिक्षा से बाहर हैं, बहुत सारे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं है। उनमें विशेष आवश्यकता वाले बालक भी आ जाते हैं, उनमें अनुसूचित जाति के बच्चे भी आ जाते हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे भी आ जाते हैं। तो हमारी कोई भी शिक्षा नीति जो भी है या आने वाले समय में बनेगी, उसको ये ध्यान तो रखना ही होगा कि प्राथमिक शिक्षा को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और कैसे हर विद्यार्थी को स्कूल का एक्सेस हो। और जो घोषणा पत्र में जो बातें कही गई, जो उस घोषणा पत्र में बातें कही गई थी, उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो ऐसे कदम भी उठाए। जी जी, जैसे आपने कहा कि आधारभूत एक बहुत पॉलिसी रही है, बहुत अच्छी नीति रही है। जी जी, और इसका प्रभाव E9 देशों में भी बहुत अच्छी तरह से पड़ा है। आपने कहा प्रौढ़ शिक्षा में और दूसरी शिक्षाओं में इसका बहुत प्रभाव पड़ा है।
डॉक्टर अखिलेश, आपने आज बहुत स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी तरह से चर्चा की जेमेटिंग कॉन्फ्रेंस के बारे में और सभी की शिक्षा का जो एक सम्मेलन हुआ उसके बारे में आपने बात की। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि एक थोड़ा उसको सारांश हम सभी को बताने का प्रयास करें कि आपने क्या क्या इस बारे में आज हमसे बातचीत की है। सर बिंदु सारा बात जी जी, और सभी के जन जन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए इसको कह सकते हैं आप, सभी के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल पर विचार करने के लिए 1990 में थाईलैंड के जमेटिन शहर में कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें कि संपूर्ण विश्व में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की गई और उसके लिए नई नई नीतियों की घोषणा की गई, नए उद्देश्यों की घोषणा की गई। और वस्तुतः वह एक मील का पत्थर साबित हुआ है प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराने के प्रयासों में, और इसने जेमेटिन कॉन्फ्रेंस ने प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इसके प्रयासों के फलस्वरूप कई राष्ट्रों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का निर्माण या इवन अध्यापक शिक्षा के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग माध्यम का प्रयोग को बढ़ावा देना, नए नए स्कूल खोले जाने, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की ओर ध्यान दिया जाना, वंचित वर्ग की शिक्षा की ओर जैसे लड़कियों की शिक्षा की ओर, SC ST के जो वर्ग के जो बालक हैं। हाँ, जी जी, विस्तृत आप बता रहे हैं, बहुत विस्तृत एक नीति रही है जी जी, और बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर आपने चर्चा करी। डॉक्टर अखिलेश जो कि हमारे वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा से हमारे बीच में उपस्थित हैं, और ये जो हमारा प्रसारण है NIOS द्वारा आयोजित किया जा रहा है शिक्षार्थियों के लिए और जो हमारे शिक्षक बनने जा रहे हैं, बहुत अच्छी सूचनाओं के साथ आपने हम सभी को सार्गर्भित किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, जो आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम सबके साथ बात की। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने।
चर्चा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर फिर दुनिया में इसके केंद्र बात कोई मन चाहा केंद्र चुने हम अपना जीवन स्वयं बने हम अपना पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने हम अपना दीपक स्वयं
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के